been on my grind. दोस्तों जो कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारी वायर में कट नहीं लगना चाहिए कार की ओरिजिनल वायर में, वो सही बोलते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो 100 में से 2 या 4 लोग जो अच्छे नॉलेज रखते हैं इनके बारे में, वो आपकी उल्टी सीधी वायरिंग कर देते हैं और फिर गाड़ी का जो फिर जो कार का जो सिस्टम होता है वो वर्क नहीं करता। इस सिस्टम का मतलब म्यूजिक सिस्टम नहीं, कार के बहुत से फीचर्स होते हैं जो उल्टे सीधे वर्क करने लगते हैं, आप उनकी वायरिंग काट देते हैं तो उसमें कंपनी को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से वो वारंटी खत्म कर देते हैं। ये कनेक्टर बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाता है पर अनट्रेन अनटेक्निकल लोगों की वजह से अपनी कार की वारंटी को आप निकलवा देते हो अगर ये कहीं से आपने अपनी वायर में कट कर दिया। इसकी कीमत 120 रुपए के ऊपर आप अपनी 5 या 6 लाख की कार की वारंटी को ब्रेक कर रहे हैं। अगर भविष्य में 1 या 2 साल में अगर आपकी गाड़ी की वायरिंग में कोई दिक्कत हुई तो वे फिर रिपेयर नहीं करेंगे, उसके पैसे लेंगे आपसे। तो मैं इसकी वायरिंग करने बताने जा रहा हूँ कैसे वायरिंग करते हैं। ये तो हो गया वो कनेक्टर जो हमने खरीदा है 120 रुपए का बाहर से, आप इसको बना भी सकते हैं बहुत इजीली, बहुत नीची कॉस्ट में मिल जाएगा और बहुत ही इजीली कहीं भी किसी भी अच्छे म्यूजिक सिस्टम जो बनाते हैं जो अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं उनकी शॉप पर मिल जाएगा। स्टूडियो वालों की कहीं से ले सकते हो आप, कार डेकोरेशन वालों के यहाँ मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा जो आपकी लोकल मार्केट है। और ये है जो सोनी के सिस्टम के साथ आया है, देखो ये होती है पार्किंग ब्रेक। जब आप अपना सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कैमरा वगैरह इसमें तो ये वायर उसमें काम आएगी। अभी इसका कोई वायर मैं अभी कैमरा इंस्टॉल करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंपली इंस्टॉल करके बता रहा हूँ म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। ये ब्लैक कलर की वायर, देखो इन्होंने इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कौन सी वायर किसकी है, पर मैंने आपको कन्फ्यूज नहीं बताया, कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों वायर हो गई आपकी जो ग्रीन ग्रीन है स्पीकर की, ये वाली और ये वाली, ये भी स्पीकर की, क्योंकि दोनों सेम कलर की वायर है। देखिए आप दोस्तों वायर के मामले में कंपनी हर एक कलर, मतलब कंपनी का जो कलर होता है वो एक ही होता है, आप किसी भी सिस्टम में लगाएं या किसी भी कार में लगाएं कनेक्टर एक ही मैचिंग के आएंगे, जो आपका मेन कनेक्टर होगा और ये वाला कनेक्टर होगा दोनों मैचिंग के आते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होती, तभी अनट्रेन आदमी ये कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज है रिवर्स, ये वाली रिवर्स वाली वायर, इसको आप अलग कर लीजिए, ये वाली ब्लू, ये भी स्पीकर की हो गई, जामनी बोल सकते हैं, जामनी, ये एक स्पीकर की होगी जामनी, और ये वाइट, ये भी स्पीकर की हो गई। हमारे पास क्या बचा, चलो मैं इस पर पहले कर देता हूँ टेपिंग, जो आपको कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ वायर ही आपको सही से करनी है। ये मैं इस पर एक टेप लगा देता हूँ, मैंने टेप लगा दिया, आपके पास ये 5 तार, ठीक है। ये हमने स्पीकर के 8 वायर निकाल लिए, ये हमने स्पीकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वायर अलग हो गए। इन वायर को भी आप देखो मत बिल्कुल भी, ये क्या है क्या नहीं, ये समझ लो ये है नहीं, सिर्फ 8 वायर ये हैं। अब अपना कनेक्टर उठाओ, मैं दोस्तों स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं, कोई भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल स्पीकर दोनों, ये स्पीकर के हो गए, ये स्पीकर के हो गए, ये स्पीकर के हो गए, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 वायर स्पीकर के हो गए, ठीक है। टेप निकाल के लगा देता हूं, टेप आप अच्छा वाला लेना, टेप आप अच्छी क्वालिटी का लेना। ये हमने 8 वायर अलग कर लिए, हमारे पास बचे क्या, सॉरी हल्का ही टेप लगाया क्योंकि मुझे निकालना है, टेप मुझे निकालना है। हमारे पास क्या बचे, ब्लैक
रेड, ये ब्लू, ये एंटीने का है, हमेशा याद रखना, उस ब्लू के साथ ये मत जोड़ देना। आप समझ लो आपके पास ये चार वायर है, आप ब्लू को भी छोड़ो, आपको भी कंफ्यूज हो जाए। ये रेड है, ये ब्लैक है, ये आपका येलो है और ये ऑरेंज है। अब आइए, हमने आठ वायर इसके अलग कर लिए, इससे ये दोनों सब इसमें कनेक्ट होंगे। अब हम पहले करते हैं ब्लैक से ब्लैक का मैचिंग, ये ब्लैक और ये ब्लैक। ये क्लिप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वायर ज्यादा लंबा है, इसको आप कट कर लीजिए, ठीक, और इसको आप छील लीजिए। ये आपने छील लिया, अब आप इसका ब्लैक का वायर भी छील लीजिए, जो हमने कनेक्टर खरीदा है, ठीक। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के निकल जाते हो। एक्चुअली मेरा चैनल 80,000 से ज्यादा व्यू ले चुका है, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए अपने चैनल के लिए 20 फरवरी से पहले पहले, जो अगर मैं ग्रेन कर लेता हूँ, अगर मैं उसे प्राप्त कर लेता हूँ तो ही मेरा चैनल चलेगा, वरना आगे के लिए वो चैनल को बंद कर देंगे, बंद तो नहीं करेंगे, मेरा मोनेटाइजेशन रोक देंगे। दोस्तों वीडियो तो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा, लेकिन वही बात है, फिर मैं आपके लिए प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, जैसे मैं अभी आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, इसको इस तरह ही जैसे मैंने करा ना वैसे ही इसकी वायरिंग करना है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, इसे टूटता नहीं है ऐसे लगाने से, ठीक है, इसे कितना ही खींचे ये टूटेगा नहीं। इसकी वायरिंग आप सही से करना, वायरिंग आप बहुत बढ़िया दिमाग से करना, सिर्फ वायरिंग का ही खेल है, बाकी तो फिटिंग के लिए कोई भी लगा देता है। टेपिंग बहुत अच्छे से, कहीं भी देखो जैसे मैंने टेप लगाया ऐसे ही आप टेप लगाना, कट कर लो। ये आपकी एक होगी वायर कनेक्ट इस कनेक्टर से, ठीक। अब हम करते हैं रेड की बात, ये वाला रेड, ये बचा हुआ है आपका, वो आठ अलग हैं, ये रेड है। अब इस रेड को आप इस वाले रेड से जोड़ोगे, देखिए ये लग गया, इसकी टेपिंग कर देते हैं। अब मैं आपको ये सारे वायर कनेक्ट करके दिखाता हूं, ठीक है, तब तक के लिए मैं थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूं, रोक देता हूं, और रोकने के बाद फिर से कंटिन्यू आता हूं सारे वायर कनेक्ट करके। इस पे टेप जरा अच्छा लगा देना दोस्तों, क्योंकि ये एंटीना की वायर होती है तो सिग्नल वगैरह की इसमें दिक्कत आती है, तो इस पे टेपिंग अच्छी कोटिंग कर देना, जिससे कि सिग्नल इधर उधर फैले ना वायर के। ये जो
आम कार वाले होते हैं जो आपके स्टीरियो लगाते हैं, शॉप वाले होते हैं, डेकोरेटर वाले होते हैं, वो ये ऐसा नहीं करते, वो सबको एक जैसा ही करके चलते हैं। उसे ये नहीं पता कि वायर किस चीज़ की है, अपना उसने लगा दिया और बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। आई थिंक काफ़ी मोटी परत हो गई इस पर टेपिंग की, टूटेगा भी नहीं। देखिए मैं कनेक्टर तैयार, सबसे मेन काम कनेक्टर तैयार करने का होता है, बाकी तो स्टीरियो आप लगाए लोगे। अब ये वाली वायर, अब मैं हम इसके ये खोल देते हैं जो हमने लगाए थे, इसके भी और इसके भी, ये हमने खोल दिए। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको दो पार्ट में डालूंगा, दो से तीन भी हो सकते हैं। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना तो मैं आपको सारी नॉलेज देता रहूँगा। बात वाइट से कर लेते हैं, कनेक्टर सुलझाते रहना, कनेक्टर इधर उधर ना जाए। ये लो वाइट और ये लो वाइट। देखो वाइट में भी इसमें दो प्रकार के वाइट होंगे, एक तो प्रॉपर वाइट है, पूरा वाइट है, और एक में ब्लैक डॉट लगा हुआ है, ब्लैक लाइनिंग है। तो होगा तो कुछ नहीं, अगर आप उल्टे वायर लगा दोगे इसके इधर उधर, स्पीकर इधर का उधर बजेगा, इधर का मतलब स्पीकर जो आगे के फ्रंट में होते हैं वो अलग बजेंगे, और फ्रंट वाला जो होता है वो पीछे उसकी मतलब वायर जाएगी। तो इसको इससे कम्बिनेशन मिला के ही लगाएं। तार को ऐसे ही बांधना चाहिए जैसे मैंने बांधा है, टूटेगा भी नहीं और एक ही उसमें आएगा। इस पे टेपिंग कर लीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग अदर नॉइज, बट मैं बाहर हूँ कार से तो इसलिए आपको ये बस की बोलने की आवाज़ आती रहेंगी, तो इसके लिए क्षमा करना दोस्तों। अब इस ब्लैक से, प्रॉपर ब्लैक से, इस ब्लैक की वायर कनेक्ट करनी है। कभी कभी होता यह है कि आप अपने वायर को सही से कनेक्ट नहीं कर पाते, सही से इसको बांध नहीं पाते, टेपिंग नहीं कर पाते, तो इस वजह से स्टीरियो रिस्टार्ट मार देता है और बंद भी हो जाता है। इसको लेकर आप जाएंगे तो वो बस ये वायर ही चेक करेगा और पैसे ले लेगा आपसे 100-200 रुपये, और ज़्यादा ही लेता है। अगर आप किसी ऐसे उस पर चले गए, आपने देखा नहीं, तो वो इतने पैसे ले लेगा, वायरिंग के ही पैसे होते हैं अधिकतर। ये लो ये वाइट से वाइट हो गई, अब ये इसी के बराबर हो गई। देखो हम कनेक्टर पूरा सही से बनाएंगे, आप इससे बेफिक्र रहे हैं कि कनेक्टर ये ऐसे इधर उधर हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी, ये ब्राउन वालों की, इससे ये निकाल देते हैं इनका।